मुझे जैसा लंदन जैसा फील होता है यार चलते हुए। नाश्ते के लिए कुछ नहीं मिल रहा, हम जल्दी आ। सो आज शायद लास्ट दिन है, हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं होटल को, लास्ट बाय बाय। ये व्यू जो है मिस करेंगे हम। होटल हमारा सामने है और हम सीढ़ियों से जा रहे हैं माल रोड, क्योंकि हमने माल रोड में ही होटल लिया था। सो बहुत करीब पड़ता है, रूट बहुत ज़्यादा सस्ते और अच्छे हैं यहाँ पे। ये जेपनीस फल, ये खजूर। खजूर कितने की भैया? 200 की। कीवी 150 का, इतना बड़ा डब्बा है। एकदम फ्रेश फ्रूट है और ये सामने हमारा व्यू माशाल्लाह। अगर आपको बाय रोड जाना तो आप लक्कड़ बाजार से डायरेक्ट शॉर्टकट है माल रोड का, ये सीधे सामने। इसका बेनिफिट ये है हम डायरेक्ट चर्च पे निकलते हैं और बहुत शॉर्ट है, स्टेज है बैठने के लिए। ये है माल रोड, सारे लोग बैठे। सो गाइस ये है वो चर्च, क्रिस्ट चर्च शिमला, जो फेमस है शिमला में। एक ही जगह है जहाँ आप घूम सकते हो शिमला में, और एक कुफरी है। मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही जगह है, और ये मॉल रोड है पूरा और नीचे तक है ये लाइक पूरा ये मॉल रोड है। और यहाँ सारी तरह की ब्रांड आपके यहाँ मिल जाएगी, बड़ी से बड़ी, और फूड में भी सब कुछ है यहाँ पे। बट एक्सपेंसिव रोड है ये, माल रोड है तो। सर माल रोड पे हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और बिल्डिंग्स और जो भी आर्किटेक्ट है क्लास है। तो आपको यहाँ करना कुछ नहीं है, सिर्फ चलना है आपने यहाँ पे। और पूरा माल रोड तकरीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में है, और व्यू ही व्यू है। जा देखोगे जैसे जा देखोगे कुदरत की बेमिसाल निशानी। अच्छा, ये ऑर्गेनिक जूस है यहाँ पे। सो इस शॉप पे मिल रही थी हिमालयन आइसक्रीम, तो मैंने दो ले लिए, एक बादाम है और एक हिमालयन पिंक सॉल्ट है। हमने लिए आइसक्रीम, अब हम जा रहे हैं कुछ नाश्ता वगैरह करने। ये मैंने नहीं ली थी, इन्होंने ली थी, दे दी है मैंने। और ये पॉपकॉर्न भी इनकी है, मैंने ली दो चॉकलेट। और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। डॉक्टर वाई एस परमार, फाउंडर ऑफ हिमाचल, ये छोटा सा गार्डन। सो गाइस ये एक जगह रुके हैं जहाँ फोटो पॉइंट है, सब जगह व्यू है। मनाली शिमला मतलब व्यू, जहाँ आप देखोगे व्यू है और कुछ भी नहीं है। जहाँ भी खड़े हो जाओ, होटल में भी आप खड़े रहो। और एक और चीज़, ये वाला व्यू जो है ये नॉर्मल है यहाँ पे, मतलब देख सकते हो। ये लाइब्रेरी है माल रोड पे, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहूँगा, रिच जाता ना वो लग रही है मुझे, जैसा लंदन जैसा फील होता है यार चलते हुए। सारे वैसे ही एशियन टाइप के घर बने हुए हैं, और बहुत क्लीननेस है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन है लंदन। इसलिए कि जो आप लैंप देख रहे हैं ये उसी स्टाइल के हैं, और हर कॉर्नर पे मिलेंगे। ये लंदन का नहीं है। ये रियली इंडिया है। नाश्ते के लिए कुछ नहीं मिल रहा, हम जल्दी आ गए सुबह। ये पुमा एंड ये फिर कुछ लाइब्रेरी टाइप, ये सारी ब्रांड आपको मिल जाएगी, एडिडास, लिवाइस, मैडम वाइल्ड क्राफ्ट, और बहुत सारी सी बी, बहुत सारी ब्रांड है यार। तो यार थक गए, यहाँ सिर्फ चलना ही चलना है माल रोड पे, आपको सिर्फ वॉक मिलेगी और कुछ नहीं। और कुछ आपको ख़रीदना है तो बड़ी ब्रांड्स है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको शाम को आए आप, एक्चुअली शाम के लिए वॉक बहुत अच्छी रहती है। दिन के अंदर हम इसलिए आए क्योंकि हमें यहाँ से निकलना था एंड यही वक्त था। धूप में आप बिल्कुल ना आए,
शाम के वक्त आए तो आपको लाइटिंग भी मिलेगी और बहुत अच्छा रहेगा आपकी डिनर या और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी भी आपको मिलेंगे। शी इज सेइंग द केस इज लिट। सो मॉल रोड पे हमें बहुत छोटा सा कैफे मिला है, नेचर्स कैफे, और यहाँ पे कॉफी बहुत अच्छी है। तो हमें मिली है कॉफी, नेचर्स कॉफी, कितने की मिली है? 25। ठीक है, देखते कैसे लेना। तो चाय पी के देखते हैं, आई मीन कॉफी पी के देखते हैं कैसी है। माल रोड की डिलीशियस सर, क्रीम भी है और कोका पाउडर जो है अच्छा डाला हुआ है। तो नाइस कॉफी, मॉल रोड, नेचर्स कैफे। जो पहाड़ी लोग हैं यहाँ के वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, एज यू कैन सी ये इजीली चढ़ रहे हैं पहाड़ पे। अगर आप बाय रोड ना आना चाहें तो लिफ्ट भी है, 10 रुपये पर पर्सन, और लिफ्ट आपको ऊपर माल रोड पे डायरेक्ट छोड़ देगी। सो ये इजी रहता है, इजीएस्ट वे है, 10 रुपये पर पर्सन। देन ये आपको एक मिडल में छोड़ेगी, वहाँ से आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। तो ये बहुत आसानी रहती है, वरना तो आप थक जाएंगे जैसे हमारा सांस भर रहा है। तो अभी मैं आया हूँ कुछ पेस्ट्री खाने। लिफ्ट से बाहर निकलते ही सामने ही आपको ये कैफ़े दिख जाएगा, बहुत ही लिट कैफ़े है एंड एक्सपेंसिव थोड़ा सा, बट अच्छा है। और यहाँ पे चॉकलेट खाना मत भूलना, 40 रुपये की हिमालयन चॉकलेट, जो हमने ऊपर 80 रुपये की ली है वो यहाँ 40 की मिल रही है। एंड चॉकलेट्स आर रिजनेबल प्राइस, बट अच्छी है। और यहाँ पे ज़रूर शेक लेना, मैंने जैसे बर्बरी शेक लिया था 160 रुपीज़ का है, और महंगा है बट चलता है। जैसा आप समझते हैं ये इसके पैसे नहीं है, ये इस व्यू के पैसे हैं। यो समझदार हैं आप। अल रोड के जस्ट नीचे द बेक्ड नाम से कैफ़े है। सो बोलना मत, अच्छी जगह है फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। और तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ इसी जगह पर। सो गाइस ये ब्लॉग यहीं एंड हो रहा है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शिमला को कर रहे हैं बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड देख लेना। सो यहीं से हमारी कार आ गई थी और हमने शिमला को बाय बाय कर दिया। अब आप देखिए नेक्स्ट एपिसोड कहाँ का आता है। टिल देन बाय।